दोस्तों नमस्कार। बारात लेकर एक ही दुल्हन के घर पहुंचे दो दूल्हे, उसके बाद जो हुआ जानकर सब रह गए हैरान। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है किसी शादी समारोह में एक दुल्हन से शादी करने दो दूल्हे पहुंच गए? आप कहेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, जहां एक गांव में एक ही दुल्हन से शादी करने दो दूल्हे पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये है कि जो दो दूल्हे शादी के मंडप तक लड़की से शादी करने पहुंचे थे, उसमें एक युवती का प्रेमी था, जबकि दूसरे दूल्हे को युवती के घर वालों ने चुना था। मंडप पर दो दूल्हे के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। यह अजीबोगरीब मामला कन्नौज के ककलापुर गांव का है, जहां सौरीख थाना क्षेत्र से दूल्हा बारात लेकर शादी के मंडप पहुंचा था। दरवाजे पर पहुंचते बारात का स्वागत करने घरवाले पहुंचे, जब शादी की रस्में चल रही थी उसी दौरान वहां दूल्हे का प्रेमी भी बारात लेकर पहुंच गया। प्रेमी को देखकर दुल्हन तो खुश हो गई, लेकिन बाकी सभी लोग हक्का बक्का रह गए। प्रेमी की बारात देखने के बाद युवती ने माता पिता द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले कि वहां बवाल बढ़ता, कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और दुल्हन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह के लिए बातचीत होने लगी। बता दें कि युवती के प्रेमी की भी 23 जून को शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो बारात लेकर प्रेमिका के घर पहुँच गया। प्रेमी की जिस परिवार में शादी तय हुई थी, वे भी मौके पर वहां पहुंच गए और प्रेमिका से उसकी शादी का विरोध करने लगे। तीनों पक्ष में चली घंटों की पंचायत के बाद युवती के परिजनों ने दूल्हे का सामान वापस कर दिया। दूल्हे ने भी तिलक में मिली बाइक वापस कर दी। वहीं दूसरी तरफ युवती के प्रेमी ने भी जहां शादी तय हुई थी उस परिवार को धनराशि वापस कर समझौता कर लिया। तीनों पक्षों में अपना अपना समझौता पत्र पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद युवती की शादी उसके प्रेमी के साथ पुलिस की मौजूदगी में करा दी गई। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।